तेजस मौर्य, मैं सीएजी चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द एग्रो सॉल्यूशन में। आज का ये वीडियो जो है एक्सटेंशन सब्जेक्ट के ऊपर है और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस, इसको हम लोग पूरा टोटल कवर करेंगे। इस टॉपिक से भी जो एग्रीकल्चर के कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ प्रश्न पूछा जाता है और BHU साथ ही साथ यूपी कैटेट और ICRPG का जो एग्जाम होता है एक्सटेंशन के लिए उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय इसको याद रखेंगे लीगन्स ईयर हम लोग जरूर याद रखेंगे 1967। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस जो है वो लीगन्स ने डेवलप किया, इसका कॉन्सेप्ट दिया और किस कब दिया 1967 में। इसमें जो एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस इंक्लूड्स 5 एलिमेंट्स हैं। इसमें पहला है सिचुएशन, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, तीसरा है टीचिंग और चौथा है इवैल्यूएशन और पांचवा है रिकंसिडरेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में याद करने के लिए याद रखेंगे शॉर्टर लिख सकते हैं। और ये एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा भी जाता है, ये एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस आपको देगा और उसमें आपको ये विकल्प देगा शॉर्ट में कि मतलब शॉर्ट में हम एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस को कैसे लिख सकते हैं या कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो शॉर्टर से याद रखेंगे SOTER सिचुएशन ऑब्जेक्टिव टीचिंग इवेल्युएशन एंड रिकंसिडरेशन। ठीक है, हम लोग इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस में कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। इसको हम लोग क्रम से याद रखेंगे, मीन्स वन बाय वन, पहला सिचुएशन है, फिर ऑब्जेक्टिव है, फिर टीचिंग है और फिर इवेल्युएशन है, फिर रिकंसिडरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय लीगन्स, याद रखेंगे
लीगन्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस क्या है, इसका डिफिनेशन हम लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है। प्रोसेस है ए कोर्स ऑफ प्रोसीजर, ए कोर्स ऑफ प्रोसीजर समथिंग अकर्स, समथिंग दैट अकर्स इन ए सीरीज ऑफ एक्शन, सीरीज ऑफ एक्शन और इवेंट, इवेंट कंडक्टिंग, कंडक्टिंग डिजायर्ड इंड, डिजायर्ड इंड। नोन एज प्रोसेस, ये प्रोसेस का डिफिनेशन है, पूछा भी जाता है, आप इसको याद रखेंगे। ए कोर्स ऑफ प्रोसीजर समथिंग दैट अकर्स इन ए सीरीज ऑफ एक्शन और इवेंट कंडक्टिंग टू डिजायर इंड, इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। इसमें एक चीज़ हम लोग और देखेंगे, एक पॉइंट, लर्निंग क्या है, लर्निंग, लर्निंग ए प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल, बाय व्हिच एन इंडिविजुअल an individual through one's own efforts and abilities, own efforts and abilities change his और हर बिहेवियर, कॉल्ड एज लर्निंग। मीन्स कोई इंडिविजुअल हो और वो अपने एफर्ट से या अपनी एबिलिटी से, मीन्स प्रयास या योग्यता से अपने अंदर चेंज लाता है तो वो क्या कहलाएगा, लर्निंग। ध्यान रखेंगे, ए प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल थ्रू वंस ओन एफर्ट्स एंड एबिलिटीज चेंज हिज और हर बिहेवियर, मीन्स वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, अगर वो अपने प्रयास और अपनी योग्यता से अपने अंदर चेंज लाता है तो क्या कहलाएगा, लर्निंग। यहीं पर हम लोग याद रखेंगे, लर्निंग जो होती है, लर्निंग लर्निंग सेल्फ मोटिवेटेड होती है, सेल्फ मोटिवेटेड। अगर इसको हम लोग और डीप में जाएं तो इसको हम लोग कह सकते हैं एडल्ट लर्निंग, एडल्ट लर्निंग। मीन्स एडल्ट लर्निंग में आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो सेल्फ से लेना होगा, मीन्स इंट्रेंसिक मोटिवेशन हो तभी लर्निंग संभव है एडल्ट लर्निंग में, ठीक है। इसके बाद जो इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे।
लर्निंग सिचुएशन इंक्लूड्स सिक्स एलिमेंट्स लर्निंग सिचुएशन इंक्लूड्स एलिमेंट्स फर्स्ट लर्नर सेकेंड वन इज टीचर थर्ड सब्जेक्ट मैटर फोर्थ स्टडी मटेरियल टीचिंग मटेरियल्स एंड फिफ्थ फिजिकल फैसिलिटीज टीज सॉरी जो सिक्स नहीं फाइव एलिमेंट्स हैं याद रखेंगे फाइव एलिमेंट्स जो इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन होती है उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग को फाइव एलिमेंट्स चाहिए। पहला तो लर्नर मीन्स जिसको लर्न करना है, फिर टीचर जो टीच करेगा, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर हम लोग के पास होना चाहिए जो डिलीवर करना है, टीचिंग मटेरियल होना चाहिए और उसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज़ में आपका जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड फिजिकल फैसिलिटीज़ है, जैसे व्हाइट बोर्ड हो तो व्हाइट बोर्ड होना चाहिए और एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, तो ये सब फिजिकल फैसिलिटीज़ में आ जाएंगी। आपकी प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब आ जाएगा आपका फिजिकल फैसिलिटीज़ में। इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन के लिए फाइव जो नीड्स हैं वो होनी चाहिए, इसको हम लोग याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन के लिए नहीं चाहिए, या ये भी पूछ सकता है कि एक कोई देगा और ये पूछेगा इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इसमें से कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द रिलेटिव रिलेटिवली इंड्यूरिंग चेंज इन ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर of an individual through perceived stimulus। ये आपका है लर्निंग का सेकंड डिफिनेशन है, इसको हम लोग लर्निंग कह सकते हैं। जब कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने, ये दो शब्द याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन आएगा अगर कर जाएंगे, ओवर्ट एंड कोवर्ट मींस जो उसकी ओवर्ट मींस होता है कोई छिपी प्रतिभा हो, मींस उसको ओपन ना करें हम, और कोवर्ट मींस होता है उसको एक्सपोज कर दें। तो अगर अपनी कोई छिपी हुई प्रतिभा को एक्सपोज कर रहा है और उसके बिहेवियर से वो बातें पता चल रही हैं, वो कोई भी इंडिविजुअल हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लर्निंग। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है The people learn more rapidly. The people learn more rapidly and permanently
एंड परमानेंटली व्हेन द लर्निंग इज प्लीजेंट एंड इंजॉयबल. When learning more pleasant and enjoyable, कोई भी इंडिविजुअल है अगर जो लर्निंग है वो प्लीजेंट हो मीन्स आरामदायक हो और इंजॉयबल हो तो वो किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख जाएगा. तो इसको याद रखेंगे, एक लॉ है ये, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट. लॉ ऑफ इफेक्ट ये लर्निंग के लॉ हैं. इसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसमें ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी चीज़ को सीखना चाहता है, अगर वो उसके लिए प्लीजेंट है, आरामदायक है और इंजॉयबल है तो उस चीज़ को जल्दी सीख जाएगा. इसको याद रखेंगे, ये लॉ पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे इसको. नेक्स्ट है टू डू फॉर डूइंग by doing. To do, for doing and by doing are fundamental principle of learning. याद रखेंगे इसको, to do, for doing and by doing fundamental principle है किसका, learning का. नेक्स्ट पॉइंट बॉन्ड थियरी ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय इसको याद रखेंगे हम लोग, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, ई एल थॉर्नडेक. E.L. Thorndike याद रखेंगे, ये लर्निंग की थियरी है. नाम याद रखेंगे इसको, बॉन्ड थियरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय E.L. Thorndike. याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग कर्व इन टीचिंग फॉलो एस शेप. ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है. जो टीचिंग में कर्व बनता है, सॉरी लर्निंग में, वो कौन सा शेप फॉलो करता है, एस शेप. ये आपको बी शेप, ए शेप या कुछ भी शेप देंगे, और जो आईज हैं वो जेड शेप बनाती हैं. इसको याद रखेंगे, दोनों ध्यान रखेंगे. जो लर्निंग में टीचिंग कर्व फॉलो करता है वो एस शेप, और जो आई जो है कर्व बनाती है वो जेड शेप. ध्यान रखेंगे दोनों. नेक्स्ट पॉइंट है द लर्निंग विच अपीयर व्हेन ए रिवार्ड और इंसेंटिव्स व्हेन ए रिवार्ड आर इंसेंटिव्स for performance when a reward or incentives for performance is given means अगर किसी भी लर्निंग के लिए अवार्ड या
इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, तो अगर ऐसी लर्निंग जो है वो बाहर आती है, अपीयर होती है, तो इस टाइप की लर्निंग को लेटेंट लर्निंग कहते हैं। याद ध्यान रखेंगे, लेटेंट लर्निंग मतलब छुपा हुआ जो ज्ञान है वो कब जब बाहर आए, अगर कोई उसको रिवार्ड मिल रहा हो किसी भी इंडिविजुअल को, या कोई इंसेंटिव्स मिल रहा हो, तो फिर कोई अपना नॉलेज दिखाए तो उसका नॉलेज अपीयर हो, तो इस प्रकार की लर्निंग को लेटेंट लर्निंग कहते हैं। ध्यान रखेंगे, लेटेंट लर्निंग। नेक्स्ट है फादर ऑफ लर्निंग। फादर ऑफ लर्निंग ईएल थॉर्नडेक, याद रखेंगे ईएल थॉर्नडेक। प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग वॉज डेवलप्ड बाय नॉवेल्स, याद रखेंगे ये वन लाइनर हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सब इनको हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, मेन प्रॉब्लम इन एडल्ट लर्निंग इज मोटिवेशन। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जो एडल्ट लर्निंग है उसमें जो मेन प्रॉब्लम है, मीन सेंट्रल प्रॉब्लम जो आती है वो क्या है, मोटिवेशन की। और इसमें भी अगर और डीप में जाए इस प्रश्न में, तो इंट्रेंसिक मोटिवेशन मीन्स अंतःकरण से उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए, स्वयं से मोटिवेशन, जब तक मोटिवेट नहीं होगा तब तक एडल्ट लर्निंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एडल्ट लर्निंग प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड एक्सपीरियंस सेंटर्ड। जो एडल्ट लर्निंग होती है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को लेके लर्निंग करते हैं, और एक्सपीरियंस सेंटर्ड होती है। दोनों ध्यान रखेंगे, एडल्ट लर्निंग जो है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड और एक्सपीरियंस सेंटर्ड होती है। नेक्स्ट हम लोग को इसमें याद रखना है, लर्निंग इज अ एक्टिव प्रोसेस ऑन द पार्ट ऑफ इसमें हम लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्नर। इसमें आपको जैसे क्वेश्चन ये पूछेगा, कैसे लाइन ये रहेगी, लर्निंग इज ए एक्टिव प्रोसेस ऑन द पार्ट ऑफ, और जो सही आंसर है वो है लर्नर। इसमें हमें देगा टीचर, स्टडी मटेरियल, सब्जेक्ट मैटर या फिजिकल फैसिलिटीज़। तो आपको याद रखना है, लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।